अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आप सब लोगों के लिए दुआ का हूँ। आज की इस वीडियो में आपके लिए डिज़ाइंस लाई हूँ ब्रोकेड ड्रेसेस के। आप देखें, हम जब भी मार्केट में ब्रोकेड ड्रेस देखते हैं हमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रीटी लगते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स बताऊँगी ब्रोकेड ड्रेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। रूल्स इस लिहाज से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी थ्री पीस ब्रोकेड ड्रेस मत बनाइएगा। जैसा कि ये एक हैवी फैब्रिक होता है, बहुत शाइनी और ख़ूबसूरत इसका फैब्रिक है। अगर हम थ्री पीस ड्रेस बनाते हैं तो हमारी जो हम ट्राउज़र बना रहे हैं या फ्रॉक बना रहे हैं, जो भी शर्ट वगैरह के साथ दुपट्टा भी हैवी होगा, तो हमारा ड्रेस बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा लगेगा, हमें कैरी करने में बहुत मुश्किल लगेगी। सेकेंड, आपको हमेशा अगर बनाना है तो ड्रेस टू पीस बनाएं। टू पीस इस लिहाज से कि आप शलवार कमीज़ बनाना चाहते हैं ब्रोकेड में, शलवार कमीज़ बना लें। अगर दुपट्टा कमीज़ बनाना चाहते हैं या दुपट्टा शलवार बनाना चाहते हैं तो हमेशा टू पीस बनाएं या वन पीस। वन पीस में आप शर्ट बना सकते हैं सिर्फ। थर्ड रूल यही है कि आप या शर्ट बनाएं या एक दुपट्टा हैवी ब्रोकेड का कैरी कर लें, जो कि बहुत खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। ये सारे रूल्स आप लोगों को ज़रूर आगे अच्छे ड्रेसेस बनाने में हेल्पफुल रहेंगे, अगर आप ब्रोकेड के ड्रेसेस बनाना चाहते हैं। आप देखें यहाँ पे कितने खूबसूरत शर्ट्स और डिज़ाइनिंग्स हैं, लहंगे हैं, फ्रॉक्स हैं। इनमें किसी में भी आपको थ्री पीस ड्रेस ब्रोकेड का देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप थ्री पीस बनाएंगे तो वो बहुत हैवी लुक हो जाती है, इसीलिए मैंने आपको थ्री पीस ड्रेस से मना किया है। आप सिंपल शर्ट बनाएं या आप लहंगा बना रहे हैं लहंगा बना लें, सिंपल शर्ट बना लें। आपने दुपट्टा हैवी ब्रोकेड का कैरी करना है वो कैरी कर सकते हैं, जो कि आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ये ज़रूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।